नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुत्तमं मंगलं वंदे संदर्ष्ट सिद्ध्यर्थं संदर्ष्टार्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणेश मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं दीर्घाया जानिक हि तम कलंक दहि नित्य निरंजन नानमय तो परम अपनमे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। दो बिंदु अपने ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान के बिना सुख नहीं होता। पुण्य के उदय से चाहे कितनी ही सामग्री मिल जाए, शक्ति मिल जाए, समय मिल जाए, क्षयोपशम से बुद्धि मिल जाए, लेकिन सम्यक ज्ञान के बिना सुखी नहीं होता। आत्मज्ञान के बिना सुखी नहीं होती। क्यों? आत्मा सुख स्वरूप है। आत्मज्ञान के बिना सुख कैसे होगा? सोने के पात्र में खीर बनाई जाए, उसमें अनेक प्रकार की मेवा डाला जाए, तो अभी मिश्री के बिना मीठी थोड़ी होनी। तो उपाय क्या? तो मिश्री मिठासमय है। आपको भूसे बना के मीठे फल डाल देंगे, वो मिठास अलग है। दृष्टांत एक देश होते हैं, दृष्टांत सर्वदेश नहीं घटा। आत्मा सुखमय है, इस अज्ञानी जीव को खबर नहीं। अब वो सुखी कैसे हो? दूसरी बात, ज्ञान के संचेतन के बिना, जो मूल श्लोक चल रहा है, ज्ञान के संचेतन के बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। जो ऐसा विचार करते हैं कि हम पढ़ पढ़ करके ज्ञानी हो जाएंगे, सुन सुन करके ज्ञानी हो जाएंगे, कोई तपश्चरण करके ज्ञानी हो जाएंगे, ये आशा ठीक नहीं है। ज्ञान के संचेतन के बिना, इसको अपनी लौकिक भाषा में कहें तो, ज्ञान स्वरूप अनुभव किए बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। इसलिए क्षयोपशम बढ़ाने की अपेक्षा, जानकारी संग्रह करने की अपेक्षा, तो निर्णय वेद विज्ञान में उपयोग लगाना चाहिए। तत्व निर्णय और वेद ज्ञान होने पर परिणति अथवा उपयोग अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख उपयोग में आत्म स्वभाव का ग्रहण होता है अथवा ज्ञान का संचेतन होता है। ज्ञान है अथवा ज्ञान स्वभावी आत्मा है, आत्मा को भी ज्ञान कहते हैं। जैसे मिश्री को भी मीठा कहने की पद्धति है, मीठा लाओ, मीठा डाल दो,
ऐसे ज्ञान को भी आत्मा कहेंगे। आत्मा को ज्ञान एक गुण भी है, ज्ञान को अकेले को ज्ञान परिणमन भी है, और ज्ञान आत्मा को भी कहते हैं। तो ज्ञान का संचेतन का अर्थ क्या है? ज्ञान के साथ अभिन्न होने पर, ज्ञान के साथ उपयोग के अभिन्न होने पर यही मैं हूं ऐसा अनुभवन हो जाए, ऐसा भासित हो यही मैं हूं। जैसे मोह की दशा में बढ़ता है धन और ये लगता है कि मैं धनी हूं, बढ़ता है शरीर और लगता ये है मैं बड़ा हो गया, परिणमन शरीर में होता है और लगता है ये जीव ऐसा मैं हूं, मैं बीमार हो गया, मैं अब ठीक हो गया। जबकि परिणमन शरीर में हो रहा है पूरा का पूरा, लेकिन शरीर की और आत्मा की भिन्नता भाषित न होने से ऐसा लगता है कि मैं द्रव्यार्थक न पर्यार्थक न की बातें बहुत दूर रह जाती हैं। पुरुषार्थ कमजोर होने पर, सहन शक्ति कमजोर होने पर, क्षण क्षण में रागादिक भाव होने पर ऐसा नहीं लगता मैं कमजोर हो गया, और शरीर कमजोर होने पर ऐसा लगता मैं कमजोर हो गया। कषायों का और शरीर का दृष्टांत घटा कमजोरी का। जैसे शरीर में कमजोरी हो तो जल्दी से सर्दी लग जाए, जल्दी से गर्मी लग जाए, मतलब उस बाह्य वातावरण से एक जल्दी से प्रभावित होने लगती है। जरा सी मैं उन्हें वातावरण क्या नाम ऋतु बदली और बस तुरंत उन्हें जुकाम सर्दी एलर्जी, जरा सी धूल आई एलर्जी हो गई। इसको अपन स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में कहें तो प्रतिरोधक क्षमता नहीं रह पाती, कम होती चली जाती। उस बाह्य वातावरण से वह जल्दी से प्रभावित होता है। जरा सा कुछ इतना खा लिया जैसे पेट भारी हो गया, जरा सी धूल लग गई एलर्जी हो गई, जरा सी गर्मी हो गई सुल्लू लग गई, जरा सी सर्दी लग गई जुकाम हो गया। वह बाहर की परिस्थितियों को झेलने में समर्थ नहीं रह पाता। जरा से खड़े हुए एकदम चक्कर आने लगे, इससे नाप करते हैं कि कमजोरी बहुत हो गई, बहुत कमजोरी है। जरा से अब तो उठते हैं तो चक्कर आते, जरा से बोलते हैं थक जाते हैं। इन सारी बातों की अनुभूति इस जीव को बिना सिखाए हो रही है, किसी पुस्तक के आधार से नहीं, किसी के कहने से नहीं। कोई ये कहे कि मैं कमजोर हो गया, उसको ये नहीं, उसे स्वयं लगता है मैं कमजोर हूं। कैसे? उस शरीर की। लेकिन जरा से पर पदार्थों निकट आने से वे अपने भाषित होते हैं, जैसे
क्रोध उत्पन्न हो जाता है, मान उत्पन्न हो जाता है, मायाचार उत्पन्न हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाते हैं, वेद उत्पन्न होते हैं, अरति ग्लानि उत्पन्न होती है, शोक उत्पन्न होता है। और इस जीव को कभी लगता है बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोरी उसकी कमजोरी नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं। देखा देखी कहता है मैं आत्मा हूं, अरे विचारों में भी जिसके आत्मा निरंतर चलने लगे वो भी धन्य भाग समझना, और घर से उसके उपायों पर चिंतन चलता है। बहुत कमजोरी हो गई, अब थोड़ा सा दवाई लेना, कमजोरी की दवाई देना चाहिए, दूध पीना चाहिए, फल खाना चाहिए, रस लेना चाहिए, ये करना चाहिए, मैंने सारा दिमाग उस दिन ये पुरुषार्थ सिद्धि पाद का पाठ कर रहे थे। सुषमाया मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति है, क्या आया पूरा पूरा बोला, अनुसरताम पदमेतत् कर्मिताचार नित्य निरविमुखा एकांत विरत रूपा मुनीनाम अलौकिकी वृत्ति। अनुसरताम पदमेतत्, हाँ, इस पद का अनुसरण करते हुए, किस पद का, पीछे गाथा से पढ़ो, सर्व विवर्तो तीनम, सर्व विभावों से पार, जो तेरा शुद्ध आत्मा है, अथवा शुद्ध आत्मा की श्रद्धा ज्ञान अनुभूति रूप ध्यान भावना रूप जो रत्नत्र है, पर्यार्थ नहीं वहां रत्नत्र अर्थ कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुसरताम पदमेतत्, इस पद का अनुसरण करने वाले जी कैसे होते हैं, कर्मविताचार नित्य निरवमुखा, कर्मविताचार नित्य निरवमुखा, बोलो, पाप रूप आचरण से विमुख होते हैं। जीव दुखी होता है, मोही प्राणी, तो दुख दूर करने के लिए पाप के सन्मुख होता है। मोही प्राणी दुखी होता है, अपने को जाने बिना, धर्म के बिना, और दुख दूर करने के लिए होता है पाप के सन्मुख। पाप के सन्मुख समझ रहे हो, विषयों के सन्मुख। कमजोरी हो गई, अब तुम्हारा उपयोग काय में गया, दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, आराम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, पूजा खड़े होकर के नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय में नहीं बैठना चाहिए, अब आराम करो भैया, कमजोरी बहुत है। अरे रे प्रभु, किधर सन्मुख हुआ, विषयों के सन्मुख होता है। देखो पाप से दुखी होता है, शास्त्र में तो ये सुनता पड़ता है और उपदेश ये देता है, और दुख दूर करने के लिए पाप के सन्मुख होता है, ये दवा लेना चाहिए। कभी तुम्हें आता है इस कमजोरी को दूर करने के लिए, इस रोग को दूर करने के लिए, इस दुख को दूर करने के लिए शुद्धात्मा का चिंतन करना चाहिए, भावना भाना चाहिए। अरे तुम व्यवहार भी खबर नहीं है, भगवंतों का स्मरण करना चाहिए। मूलाचार में एक दृष्टांत आया, टीका, जैसे कोई बालक हो, वह वैसे तो मां के आश्रित है ही, लेकिन कोई तकलीफ हो तो मां को छोड़ता नहीं, वैसे तो मां का आश्रय करता ही है,
लेकिन अगर तकलीफ नहीं हो तो अपने खींचता रहेगा, फिर भूख लगेगी तो माँ कहेगा। लेकिन अगर उसे कोई बीमार तकलीफ हो जाए तो माँ को एक क्षण को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे धर्मात्मा जी अनुकूलताओं में तो धर्म ध्यान करता ही है, लेकिन प्रतिकूलताओं में भी एक क्षण को अपने स्वरूप को दर्शाने वाले वितरागी देवगुरु को छोड़ता नहीं। बाल है, बाल जानता नहीं बेचारा, उसे तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान माँ दिखता। हमारा हित अहित माँ जान, हम नहीं समझते, लेकिन हमारा हित अहित माँ जाने। हमारा काम तो ये है माँ को पकड़े रहो। जैसे लक्ष्मण ने कहा, न्याय न्याय हमारा बड़ा भाई राम जाने, हमारा काम तो उसकी सेवा करने का है। यहाँ रहता है तो यहाँ सेवा करेंगे, और जंगल में जा रहा है तो जंगल में सेवा करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं। हम कौन होते हैं पिता के द्वारा दिए गए निर्णय में अथवा राम के द्वारा लिए गए निर्णय में अपनी टांग अड़ाने वाले, हम होते कौन है? बल्कि पद्म पुराण के अनुसार तो दशरथ ने निर्णय नहीं दिया था वनवास जाने का, राम ने निर्णय लिया था। वात्सल्य से प्रेरित होकर, भवितव्य से प्रेरित होकर राम ने निर्णय लिया था, यहां मैं रहूंगा तो मेरे सामने राम भरत की आज्ञा कोई नहीं मानेगा, और भरत भी मेरी ओर देखेगा, वे भैया ऐसा कर, भैया वो फलाना है, भैया ऐसा बेर वो रहा मेरी ओर देखेगा। और भरत अंतर से विरक्त चित्त है, वो रुकेगा ही नहीं, चला जाएगा दीक्षा लेकर के। हम होते कौन है? हमारा तात्पर्य यह है कहने का कि शरीर में इतनी एकत्व बुद्धि, तो वो मुन्नराज की दृष्टा हम दे रहे थे कि देखो कर्मताचार नित्य निरमुखा पापाचरण से वे निरंतर विमुख रहते हैं। क्यों? दुख को पाप का फल जानते हैं। जब पाप के फल से दुख होता है तो पाप से ही दूर कैसे हो जाएगा? आप निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तुमको जानते हो निमित्त नैमित्तिक संबंध। देह और आत्मा की एकत्व बुद्धि वाला जीव निमित्त नैमित्तिक संबंध को जानता है नहीं जानता? केवल उसको पढ़ लिया है सो अभिमान हो गया। उपादान निमित्त की दुआ पढ़ो भगिया भगवती दास के नीचे, सबसे नीचे क्या लिखा है? जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने या वीर, जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध के भेद को, रहस्य को है यथार्थ कौन समझता है? जो अपने ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करता है। अमृतचंद स्वामी का श्लोक सुनाया था उस दिन, बोलो समय सार टीका, विकल्प कै परम कर्ता विकल्प है कर्म केवलम, न जातु कर्त कर्मत्व सविकल्प न सती। अज्ञान दशा में ये जीव विकल्प ही करता है, विकल्प ही उसका कर्म होता है, विकल्पों का कर्ता होता है और मानता है पर का कर्ता। मैंने ये मकान बनाया, तुमने क्या किया शुरू से बताओ? केवल विकल्प किए। यहाँ एक ऐसा मकान बन जाना चाहिए, एक भाई जमीन देख लो मकान बनवा लो, किराए में कब तक काम चलेगा? अरे रे किराए के मकान में कब तक काम चलेगा ये तो तुम्हें पता है, ये तो विकल्प आया, लेकिन ये शरीर किराए की कोठरी है इसमें कब तक काम चलेगा ये तुम्हें कभी ख्याल आया? तो विकल्प ही तो किया। सत
समय पर वो जमीन मिली, समय पर योग बना, समय पर मकान बना, समय पर तुमने क्या किया, केवल विकल्प के परम करता विकल्पम कर्म, विकल्प कर्म केवल न जातु कर्त कर्मत्वम सविकल्प समर्थ। जब तक ये जीव निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त नहीं होता तब तक कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं मिटती, कर्ता कर्म के विकल्प नहीं मिटते। अज्ञानी को भ्रांति है, ज्ञानी को मात्र विकल्प है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में यह जीव तृप्त होता है तब स्वयं कर्तृत्व के विकल्प भी नहीं आते। तब विकल्प दशा में ज्ञानी को भी विकल्प आते हैं। अनुसरताम पदमेत कर्मताचार नित्य निर्विमुखा है, क्या अर्थ हुआ? इस पद का अनुसरण करने वाले, रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का अनुसरण करने वाले मुंडाजों की पाप से नित्य निर्विमुखा, सतत निरत पाप से विरत होते हैं, निरंतर किसी समय पाप के सन्मुख नहीं होते। उपसर्ग आए कभी पाप को, कभी ये नहीं सोचते भैया बेकार आए जंगल में, इसके घर रहते तो अच्छे। ये बड़ा दुष्ट है, बता हमारी क्या गलती है, इसने कितना उपसर्ग किया, ये कर रहा मानता नहीं है। हाँ, विकल्प नहीं आते इस तरह के। कर्मिताचार नित्य निर्मुख, हमारी परिणति पाप से विमुख रहे, इसके लिए एक ही उपाय है, अस्थि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। अनुसरताम पद में तक इस पद का अनुसरण करे तो परिणति पाप रूप नहीं होगी। हाँ, आगे चलो। एकांत विरत रूपा, एकांत विरति का क्या अर्थ, एकांत का क्या अर्थ है? सर्वथा एकांत स्वरूप माने सर्वथा स्वरूप, ऐसे एकांत विरत रूप, एकांत विरत रूपा, एकांत सर्वथा विरक्ति रूप मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। तो हमने इनसे पूछा, मैंने कहा भैया अलौकिकी का क्या मतलब हुआ? अलौकिक लौकिक नहीं, तो एक लौकिक होता है एक अलौकिक होता है, और वृत्ति का मूल दृष्टि होती है। इसके छंद में कई बार हमने कहा होगा आपको, मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति और ज्ञानी नाम अलौकिकी दृष्टि। ज्ञानियों की अलौकिक दृष्टि है और मुनराजों की तो वृत्ति भी अलौकिक है, परिणति भी अलौकिक हो गई, आचरण का प्रधानता। तो अलौकिक क्या होता है, अलौकिक को समझे तब समझ में आए। अलौकिक होता है आत्मा, अलौकिक होता है आत्मा, आत्मा अलौकिक तत्व है। आत्म दृष्टि को अलौकिक दृष्टि कहते हैं और आत्मा की भावना रूप वृत्ति को अलौकिक वृत्ति कहते हैं। तो ये मुनिराजों की वृत्ति अलौकिक कैसी है, कि मुनिराजों की वृत्ति आत्मा माय है, आत्मा की ओर से, और लौकिक जीवों की वृत्ति शरीर की ओर से। वे आत्मा को सर्वस्व मानते हैं, आत्मा को मैं अनुभवते हैं, और लौकिक जीव शरीर को सर्वस्व मान रहे हैं। उनकी माप, उनका उनकी श्रद्धा, उनका ज्ञान, उनका चिंतन शरीर आश्रित, इनका लौकिक जीवों का, और मुनिराजों का की दृष्टि चिंतन जितनी भी पड़ती है शरीर आत्मा, आत्माश्रित। अलौकिक वृत्ति माने आत्माश्रित वृत्ति, आत्मा अलौकिक तत्व है ये समझना, और लौकिक जीवों की वृत्ति शरीर आश्रित। लौकिक जीव शरीर के लिए आत्मा छोड़ देते हैं, आत्महित को छोड़ देते हैं, आत्महितकारी कार्यों को छोड़ देते हैं, शरीर के लिए छोड़ देंगे तुरंत,
और हमारे मुनीश्वर आत्महित के लिए शरीर की ममता को छोड़ दिए, शरीर आश्रित सारे व्यवहारों को छोड़ दिए। लौकिक जीवों की इष्ट अनिष्ट की कल्पना शरीर के आते, शरीर के लिए जो इष्ट उसे इष्ट मानेंगे, शरीर के लिए जो अनिष्ट उसे अनिष्ट मानेंगे। मुनिराज आत्मा के लिए जो इष्ट है वह उन्हें इष्ट समझते हैं, आत्मा के लिए जो अनिष्ट है उन्हें अनिष्ट जानते हैं। अथवा तो लौकिक जीव बाह्य पदार्थों में ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते रहते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करते हैं। वे अलौकिक वृत्ति वाले मुनीश्वर पर पदार्थों को जानते तो हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करते। यदि इष्ट अनिष्ट की कल्पना को भी अगर देखा जाए तो आपको बताया था ना उनके लिए इष्ट क्या। अच्छा एक बात बता, कोई लौकिक जीव ऊबड़ खाबड़ जंगल की जगह, जंगल में कौन मानेगा ये बहुत अच्छा स्थान है, और मुनिराज वाह ज्ञानानंद साहब का चार माया मुनिराज जंगल की गुफाएं बुला बुला करके कह रही हैं, आओ आओ यहाँ आओ, यहाँ तुम ध्यान करो, खूब मन लगेगा तुम्हारा, कोई विघ्न करने वाला नहीं, शरीर की याद जलाने वाले भी कोई नहीं। जंगल के जानवरों से डर नहीं लगता उन्हें, बाघ सिंह तो मित्र बराबर, क्यों ज्यादा से ज्यादा शरीर का भक्षण करेंगे, लेकिन मोहियों की संगति का उन्हें भय रखता है, वे हमारी बैराग का घात करने वाले। अलौकिक की वृत्ति, अलौकिक की वृत्ति का मतलब अलौकिक चिंतन है उनका, अलौकिक वचन है और अलौकिक चेष्टा है। अलौकिक आत्मा है इसलिए उनका सारा का सारा परिणमन आत्मा के आश्रय से होता है। एक साथ दो व्यक्ति चले, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, क्यों क्यों? हमें बाजार जाना, हमें मंदिर जाना, विचार करो अंतर क्यों हो गया। ये एक साथ चले इधर से, ये मुड़ गए इधर से, मतलब मुनिराजों की वृत्ति योग रूप है, संयम रूप है, उन्होंने संयम के लिए योग के लिए आराधना के लिए संसार छोड़ा है, भोग छोड़े हैं और ए भोगों के लिए संयम छोड़े। शरीर के लिए आत्मा छोड़ेगा, आत्मा छोड़ेगा, लौकिक जीव शरीर के लिए आत्मा छोड़ेगा, भले वो शरीर भी नहीं बने। कल ये चर्चा की थी, बोलो देखो भाई शरीर स्वस्थ हो मन स्वस्थ हो ना हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन मन स्वस्थ होता है तब शरीर स्वस्थ होता ही है। परिणति जब अपने में स्थित होती है, भीतरादि के शरीर में कोई रोग नहीं होते, कोई कमजोरी नहीं होती, कोई प्रकार की विकृति नहीं होती, जिसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं परम औदारिक शरीर। जब परम तत्व की आराधना थी
परम वितरालता प्राप्त होती है तब शरीर भी परम औदारिक हो जाता है। लौकिक जीवों को भीड़ अच्छी लगती है, भोग अच्छी लगती है, मुनिराजों को एकांत अच्छा लगता है, अपना योग अच्छा लगता है। लौकिक जीव इंद्रिय सुख के आदि, मुनिराज इंद्रिय सुखों को हलाल जहर के समान समझते, अति इंद्रिय सुख में तरस रहते। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। एक और बताया था, बोलो, जाकर के नोट नहीं करते तुरंत तो अखबारी तो बोलो। मुनिराज सहज प्राप्त भोगों में भी उदास हैं, लौकिक जीव अप्राप्त भोगों के लिए भी लालायित है, नहीं वो हमें मिल जाए। और मुनिराज अथवा ज्ञानी जी सहज प्राप्त भोगों में भी उदास, अकेले में भी उनकी दृष्टि संयोग पर, संयोग का चिंतन करते, संयोगों की याद करते। मुनिराज संयोगों के बीच में हो तो अभी अपने एकत्व को एक क्षण भी नहीं भूलते। शास्त्र में जो शब्द आया करे उस शब्द का कम से कम भाव भाषण तो किया करो। उस भाव भाषण के बिना अगर केवल शब्दार्थ आ गया तुम्हें, याद हो गए छह उपशम ज्ञान के बल से, तो तुम्हें केवल ज्ञान का मद होगा, अभिमान आ जाएगा, हम जान दिया, हम ये तो हम जानते हैं। अनुसरता हम पद भीतर, जिनको श्लोक रटा है या छंद रटा हुआ है उनको तुरंत लगेगा ये तो हमें आता है, ये तो हमें याद है, लेकिन एक भी शब्द का अर्थ तो याद ही नहीं है, भाव तो कुछ खबर ही नहीं, और लगता है ये तो हमें आता है। अभी हम कहें मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, कितने लोगों को लगेगा ये तो हम जानते, ये तो हमने बालपोथी में पढ़ा। मैं अनादि अनंत हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरा सुख मेरे में है, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने समय सार में पढ़ा। समय सार में पढ़ने से जानना नहीं होती, ज्ञानी नहीं होते। अपने में जानते हो, अपने में पढ़ो, ये तो व्यवहार स्वाध्याय भी बताया था कि शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़े तब व्यवहार स्वाध्याय है, और स्वयं से स्वयं को पढ़े अर्थात जाने, पढ़ना नहीं होगा वहां, तब वह स्वाध्याय है, ये तो हम जानते हैं। कभी ये लगता नहीं है ये हमें आता नहीं है, ये तो हम जानते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुए बिना इंद्रिय ज्ञान में ममत्व बुद्धि को कौन छुड़ाएगा, आत्म ख्याति हुए बिना जगत की ख्याति की अभिलाषा को कौन छुड़ाएगा, अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता हुए बिना भोगों की वासना को कौन मिटाएगा। तो ये बड़े मर्म का वाक्य लिखा है, क्या ज्ञान के संचेतन के बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। आपकी विपरीत चेतना को अगर कोई प्रश्न करके पूछे, आप कहें मैं धनी हो गया, सिद्ध करो मैं धनी हो गया,
स्वाश्रय से आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। कहां लिखा है हम धनी हो गए? आपको छह उपशम ज्ञान के बल से ऐसे लगने लगा कि हम ज्ञानी हो गए, सिद्ध करो। लेकिन लगने लगा अपने आप। तो ये बताओ, ज्ञान स्वरूप हूं इसको यहां क्यों देखते हो? आत्मा शास्त्र में लिखा है इसलिए ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनादि निधन है। भगवान ने कहा इसलिए अनादि निधन है, ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है। भगवान ने कहा इसलिए, भगवान झूठ थोड़ी कहेंगे, शास्त्र में झूठी थोड़ी लिखी है। शास्त्र में भी झूठी नहीं लिखी है, भगवान ने भी झूठी नहीं कही है, परंतु तुम्हारी अभी मान्यता झूठी है। ज्ञान से अथवा ज्ञान स्वभावी आत्मा से उपयोग के अभिन्न होने पर जब ये भाषित होता है यही मैं हूं, उसका नाम है ज्ञान का संचेतन। अनुभव रूप ज्ञान की परिभाषा क्या थी? वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप ज्ञान। उसका दृष्टांत आपको बताया था। देखो, मिश्री पुस्तक से पढ़ करके जानो मिश्री मीठी है तो मुंह मीठा तो नहीं होगा। इसी से सुन करके जानो मुंह मीठी है, मिश्री मीठी है तो भी मुंह मीठा नहीं होगा। तर्क से विचार करके जानो मिश्री मीठी है, तर्क से विचार करने की भाषा तो आती है कि नहीं? जब मिश्री से बने हुए मिष्ठान मीठे हैं तो मिश्री मीठी क्यों नहीं होगी? चूंकि मिश्री से बनी हुई बर्फी मीठी है, लड्डू मीठे हैं, पूरी मीठी है, खीर मीठी है, तो मिश्री भी मीठी होना चाहिए। तर्क तर्क है, समझ में आया? वो मीठा हुआ कि नहीं? अंतर के चिंतन में करो। नहीं भाई, इतने लोग सब झूठी थोड़ी कहेंगे, झूठी थोड़ी लिखेंगे, इन्हें क्या स्वार्थ था, इन्हें क्या मतलब है? इसलिए मिश्री तो मीठी है, मिश्री तो मीठी है, मिश्री तो मीठी है, मिठास का स्वाद तो नहीं आएगा। लेकिन ये सब एक भी बात नहीं पढ़ी, पढ़ी नहीं। एक अनजान बालक छोटा सा, उसने मिश्री रखी थी, उसने ऐसी उठाई और मुंह में रख दी। न कहीं पढ़ी, न किसी से सुना, न कोई उसने विचार किया, न तर्क वर्ग की शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई है। उसने ऐसे मिश्री की डंडी एक मुंह में डाल दी। मैंने कहा क्या है, क्या है, क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब बस वो छोड़ नहीं रहा। बोलो मिठास है कि नहीं? यह वेद वेदक भाव दृष्टांत है स्थूल रूप से। ऐसे आत्मा के साथ अभिन्न होने पर यही मैं हूं, यही मैं आत्मा हूं, ये नहीं, यही मैं हूं। आप डरते हो इदम एवेदसम चैवा तत्त्वम नान्यनिचान था, लेकिन इदम इदम क्या करते रहते हो? क्या इदम? आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का जो लक्ष्य हो गए तो यही मैं हूं। शरीर ज्ञान में आया तो ये मैं नहीं हूं। शब्द में नहीं आया, बोलने में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। अब आप जितना भी मापदंड करें, शरीर की ओर से नहीं, आत्मा की ओर से करें। कमजोर वह नहीं है जिसकी शरीर की कमजोरी है, कमजोर वह है जिसका मन कमजोर है। जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समता नहीं रख पाता है वह है कमजोर। जिसे आत्मबल प्रकट नहीं हुआ है वह कमजोर है। शरीर के बल से आप नापते हो,
आत्मबल से नापी है। बलवान वे थे, हंसी उड़ा रहा था और वास्तव में कमजोर हो गए थे। याद है कोई प्रसंग महावीर पुराण का? विश्वनंदी मनराज जा रहे, कहां तो उस राजकुमार की अवस्था में ऐसा बल, वह पेड़ पर चढ़ गया तो उस पेड़ उखाड़ करके और कहां मुनिराज फिर हो गए वैरागी होकर के। वस्तु स्वरूप का विचार करें तो वैराग्य होता है, बाहर का लक्ष्य हो बाहर का विचार करें तो राग होता है। विश्वनंदी राजकुमार युवराज उधर से विजय करके आए, उन्होंने देखा मेरा उद्यान, ये तो मेरा चचेरा भाई कब्जा किए बैठा। अगर बुला करके चाचा कह देते बेटा ये उद्यान तुम भैया को दे दो, वो बच्चा मचल रहा है, तो उनको बुरा नहीं लगता। इस प्रकार का छल करके मुझे वहां भेज दिया और ये उद्यान दे दिया। अब मैं देखता हूं, तो सेना तो साथ में थी, दौड़े मारने पकड़ने की थी। बेचारा भयभीत होकर के पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ उखाड़ करके फेंका, पैरों पर गिर गया, भैया क्षमा करो। इतना कहा बड़े लोग क्षमा मात्र से विनय मात्र से प्रसन्न होते हैं। सोचने लगे धिक्कार है, ऐसे उद्यान न जाने कितने हुए, और बना ले क्या है, छोटा है, छोटे का तो अधिकार है बड़े की चीज पर, कोई दिक्कत नहीं लौकिक में भी। ले भाई तू ले। अब सोचा चाचा के सामने कैसे जान, जी दोनों भाई लड़ मरे। धिक्कार है संसार की अनित्यता को, जिसमें कदम कदम पर छल प्रपंच राग भी दीक्षा लेकर के चले गए। तपश्चरण के द्वारा शरीर क्षीण होता गया। मासोपवास का नियम, एक माह के बाद आहार ग्रहण करते थे एक बार, और मासोपवास के आहार की क्रिया के लिए गए, आहार नहीं मिला, लौट करके आ रहे थे। ये आहार करके आ रहे हो, ध्यान नहीं है देख लेना, शायद मासोपवास का भी प्रसंग देखना, देख लेना, शायद नहीं। चले आ रहे थे उधर से, वो देखो भाई किसी के देने से कुछ मिलता नहीं, किसी के छीनने से कुछ छीनता नहीं। विश्वनंदी अपना अधिकार छोड़ करके आ गए, विशाखनंदी राजा बन गया, लेकिन अपने गुणों से राजा बना रह सकता है? व्यसनों में फंसा, स्वार्थी लोगों से घिरा, राज्य से भ्रष्ट हो गया, राज्य से भ्रष्ट हो गया। ये संपदा भी किसी की दी हुई नहीं है, सुख रत्नत्र मोक्ष मार्ग वह तो किसी के द्वारा दिया ही नहीं जाता, लेकिन बाह्य की संपदाएं भी पुण्य से ज्यादा कोई दे नहीं सकता। आपके पुण्य की सामग्री ही आपके पास रहेगी। अब धर्म इसीलिए लिखा कि देखो भाई, जो धर्म को छोड़ करके पुण्य को छोड़ करके सामग्री और भोग चाहता है, वह वृक्ष की जड़ को काटकर फल खाना चाहता है। जड़ काटने पर फल, इसमें दो बात बोलो, जड़ काटने पर फल नए तो लगेंगे ही नहीं, जितने लगे हैं जो कच्चे हैं वे पकेंगे कैसे थे, छोटे हैं वे बड़े कैसे होंगे। ऐसे धर्म को छोड़ करके नए सुख की तो कल्पना मिथ्या है, लेकिन जो तुम्हारा पूर्व पुण्य है उसको भी आप नहीं भोग पाओगे, उसकी भी संक्रमण और अपकर्षण होगा। चले चले आ रहे, एक बैल ने धक्का दिया, गिर पड़े। ऊपर से वो देख रहा, क्यों
पेड़ उखाड़ने वाला बल कहां गया? उन्होंने देखा और सहन नहीं कर पाए, गुस्सा आ गई, अरे, और उस गुस्सा से चली छूटा जाकर के कौन से पद में आ गए? अरे रे, कमजोर वह है जो अपनी कसायों को नहीं जीत पाता, बलवान वह है जिसे कसाएं नहीं जीत पाती। कसायों के प्रसंग में कसाएं नहीं होती, वह बलवान। होमवर्क करना चाहिए, एक वाक्य नहीं है ये, इसके कितने वाक्य बनाओगे? कम से कम, कम से कम कितने वाक्य बनाओगे बोलो? कम से कम कितने बनाओगे? 13। क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं हो, मान के प्रसंग में मान नहीं हो, माया के प्रसंग में माया ना हो, लोभ के प्रसंग में लोभ ना हो, हास्य के प्रसंग में हास्य ना हो, रति के प्रसंग में रति न हो, अरति के प्रसंग में अरति न हो, शोक के प्रसंग में शोक न हो, भय के प्रसंग में भय न हो, और 3 प्रकार के जो वेद लिखे हैं उन वेदों के प्रसंग में वेद न हो। कहीं किसी प्रसंग से प्रधानता से कथन है, कहीं किसी प्रसंग प्रधानता से कथन है। क्या ऐसा बल आत्मा के आश्रय से होगा, शरीर की ओर से देखने से नहीं आएगा। और देखो, शरीर का जो बल है वह कर्म आश्रित है, पुण्य आश्रित है। शरीर का बल कर्म आश्रित और पुण्य आश्रित है, दोनों का अर्थ बोलो। पूर्व में शरीर से जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, परोपकार का बल, परोपकार के कार्य किए, अथवा शरीर के द्वारा जिन्होंने आत्म साधना की है, उनका शरीर उस कर्म के उदय से बलवान होता है। ये चर्चा द्रव्य संग्रह टीका के आधार से हम बता रहे हैं आपको। भगवान का अनंत बल, वो अनंत बल की चर्चा वहां करते हुए टीकाकार ने लिखा, क्या बोलो? पूर्व काल में आत्म साधना करते हुए घोर उपसर्गों से भी जो किंचित मात्र भी चलायमान नहीं हुए, ऐसे उस स्वरूप के में अविचल रूप परिणाम के फल से अब अनंत बल प्रकट होता है। लिखा है ऐसे, यहां समझना चाहिए। शरीर बलवान कैसे होता है कि पूर्व काल में जिन्होंने आत्म साधना में निश्चल रहे, अपने नियम संयम को नहीं तोड़ा है, तोड़ने का कभी विकल्प नहीं किया। देह छूट गई लेकिन नियम संयम नहीं टूटा उनका। अथवा तो लौकिक दृष्टि से शरीर के बल से जिन्होंने उत्तम परोपकार के कार्य किए, शरीर के द्वारा साधना की है अथवा सेवा की है, परोपकार के कार्य किए, उनके पुण्य के उदय से शरीर बलवान होता है। और जिन्होंने शरीर के बल से निर्बलों को सताया है, शरीर का के बल से भोगों में प्रवृत्ति की है, संयमियों की हति की है, जरा से शरीर के कारण से मोह से अपना नियम संयम धर्ष तोड़ दिया है, उनका शरीर कमजोर होता है। ये कर्म की बात बताई, वर्तमान की बोलो। जो बार बार शरीर में विमोहित हो रहे हैं, शरीर में और विषयों में आसक्त होते हैं, उनका शरीर कमजोर होता है। इसका आपको लौकिक स्वास्थ्य विज्ञान से बताएं, जो बच्चे हर समय गोद में रहते हैं
हैं, अर्थ हमें बहुत सावधानी से पाले जाते हैं, हैं? वे मोजा ना उतर जाए, टोपा ना उतर जाए, जे चीज नहीं खबिया, यहाँ धूल न लग जाए, वे बच्चे कमजोर होते। और जो बच्चे अपने आराम से खेलते कूदते खाते पीते रहते हैं, बच्चे अपने आराम, माने शरीर की आसक्ति से, शरीर की मूर्छा से, है विषयों की आसक्ति से, विषयों की मूर्छा से पाप बनता है, उससे शरीर कमजोर होता है। मालूम है आपको, है ट्रेन में यात्रा कर रहे सर्दी के दिन, एक अंग्रेज ने गांधी जी से पूछा, क्यों बाबू एक धोती ओढ़े आपको ठंड नहीं लगती? बोले तुम्हारी नाक को ठंड नहीं लगती? तो बोला एकदम घबरा करके, और तो सब कसे हुए टोपा फूपा पूरा अपने, नाक तो खुली रहेगी तो नाक को ठंड नहीं लगती। बोले साहब आदत पड़ गई है, कि तेरी नाक को आदत पड़ गई, मेरे सारे शरीर को। जितना जितना हम सहन करते जाते हैं उतनी उतना हमारा बल बढ़ता जाता है, जितना जितना सहन नहीं करोगे उतना ही बल घटता जाएगा। संगनन अपने आप पड़ेगा, क्यों? संगनन का संबंध कर्म से है, कर्म का संबंध परिणाम से है, और वर्तमान के परिणाम से पूर्व कर्म का भी संक्रमण अपकर्षण उत्कर्षण होता है। खुलासा करो बस इतना ही, पाप रूप परिणाम के से पाप कर्मों का उपकर्षण उत्कर्षण होता है, और पुण्य कर्म का संक्रमण पाप रूप होता है बदलना। पुण्य कर्म पाप रूप बदल जाते हैं, और पाप कर्म की प्रकृतियां नहीं, पुण्य प्रकृतियां जो संक्रमित नहीं होती उनका उत्कर्षण होता, अपकर्षण होता है, और पुण्य परिणाम से पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण होता है, और पाप प्रकृतियों का अपकर्षण होता है अथवा संक्रमण होता है। इसलिए भाई शरीर की ओर से देख करके आप अपने को मत एक समझो, मैं कमजोर, मैं बलवान, मैं ज्ञानी, बहिरात्मा की यही एक पहचान है, वो बाहर से देख करके अपने को अनुभव करता है, और अंतरात्मा का ये चिन्ह है, वो अंतर की ओर से देख करके अपने को अनुभव करता है, और बाह्य पदार्थों को भिन्न जानता है विचार में। जयानंदी शोध करो अविनाशी में आत्म करो, जयानंदी शोध करो अविनाशी।